किया हुआ है। हाँ हाँ तो उसे ओपन करो ना, उसे वो साथ में वो यूजर नेम भी पूछ रहा ना, यूजर नेम नहीं लिखा हुआ सिर्फ उसमें पासवर्ड ही आ रहा है। यूजर नेम की मैंने स्क्रीनशॉट ली थी, वो वहां जाके देखो। अच्छा शेयर शेयर पॉइंट का पहले मैं जनरल हल्का सा बता देता हूँ जो मतलब मुझे आइडिया उसका। अब हमने अगर हम हमारे पास एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सब कैटेगरीज में शोबे हैं और काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, तो एक तो हमारे पास हल ये है कि हम एक काफ़ी बड़ी कॉर्पोरेट वेबसाइट बनाएं जिस पे हर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सब शोबे हैं, लाइक एडमिन्स का एक सेक्शन है और अकाउंट्स का सेक्शन है और जो और एक बच्चों को देखता है, उस सबको एक मेन वेबसाइट पर ही एक्सेस दे दी जाए और उसी को सारे यूज़ करें। और एक हमारे पास हल ये है कि हम जो है एक हम अलग अलग वेबसाइट्स बनाएं और उसको एक मेन वेबसाइट के अंडर लिंक कर दें, उसकी यानी सब वेबसाइट्स बना दें। इसमें यह होगा कि हमारे पास डेटा सिक्योरिटी वगैरह थोड़ी सी हो जाएगी कि अगर सपोज कोई बच्चा या कोई उनका मेंबर किसी गलती की वजह से डेटाबेस या अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसी खराबी कर देता है या कोई स्पोर्ट डेटाबेस में जाके कुछ रिमूव कर देता है रिकॉर्ड्स वगैरह, तो उससे बाकियों को असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो सारे एक ही वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो किसी एक के मसला करने से या किसी एक के इशू होने से वो सब लोग काम करने से रुक जाएंगे। और इसमें हम ये भी करते हैं कि अगर मैंने एक अनाउंसमेंट है या कोई चीज़ है जो शेयर करनी है सारे लोगों के साथ, तो मैं उसे जो पेरेंट वेबसाइट होगा उसमें उसको क्या कहते हैं उसको मैं उस वो बड़ी वेबसाइट में जो है उसमें वो ओपन कर दूंगा, उसमें लॉन्च कर दूंगा और उसमें अपलोड करूंगा, तो वो बाकी सारी जो सब वेबसाइट्स होंगी नीचे वाले अकाउंट्स के नीचे वाले सेक्शंस के उन सबको चीज़ विजिबल हो जाएगी। तो यानी हमने एक काम सिंक किया हुआ है जो जिस काम को सारे लोग असेस कर रहे हैं। अब वो जो उसके बाद ये जो सिक्स थिंग्स हैं इसकी हायरार्की के हवाले से मैं ज़रा कुछ बता रहा हूँ। FMT कंसल्टेंट्स
इसमें हमारे पास हायरार्की जो होती है वो कुछ इस तरह होती है कि सबसे पहले ऊपर मेन वेबसाइट होती है, ठीक है, उसके नीचे साइट कलेक्शन होती है। और ये हायरार्की इस तरह में, इस तरह हायरार्की मतलब ये है कि अगर मैं एक काम जो वेबसाइट या जो मेन वेबसाइट है और उसके नीचे जो साइट कलेक्शन है उसमें करूँगा, तो उसके नीचे जितनी भी वेबसाइट उसके उसके अंडर बनी हुई है ना, वो चीज़ सब में विजिबल होगी और उसका इफेक्ट सब में होगा। एक फॉर्म मैंने नया अपना एडमिशन्स कर उसे मैंने साइट कलेक्शन में दे दिया है, तो उस साइट कलेक्शन के अंडर जितनी वेबसाइट्स होंगी वो सारी उस फॉर्म को असेस कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं किसी जो छोटी वेबसाइट है जो साइट कलेक्शन नीचे वेबसाइट्स है उसमें दूंगा तो उसको बाकी लोग नहीं देख सकेंगे, ठीक है। अब ये तो पता चल गया ना, एक वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर साइट कलेक्शन होती है। अब उसके बाद आता है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप होता है कि जो कोई भी किस्म का कंटेंट ले सकता है, लाइक उसके अंदर लिस्ट भी आ सकती हैं, व्यूज़ भी आ सकते हैं और उसके अंदर वर्कफ्लो वगैरह भी आ सकते हैं। लिस्ट में ना हमारे पास लिस्ट का शेप होने में मतलब होता है कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट भी रख, इसमें मैं टेबल रख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट रख सकता हूँ, इमेजेस रख सकता हूँ, व्यूज़ रख सकता हूँ। जो सी प्लस प्लस में हम लिस्ट पढ़ते थे ना, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो कॉलम्स हैं, इस साइड कॉलम का मतलब है जो हम जो टेबल नहीं होता उसके अंदर जो कॉलम्स बनाए होते हैं हमने, जैसे हमने जैसे ये लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम है, ये कंपनी है, ये बिजनेस फ़ोन है, ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये कॉलम्स हैं, साइड कॉलम्स हैं। इसको मैं मतलब यहाँ पे इनकी वो सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ साइट कॉलम है और ये जो मेन चीज़ है ये एक लिस्ट है, वेंडर कॉन्टेंट डिटेल्स। इसके अंदर यानी मैंने साइट कॉलम्स बना के रिकॉर्ड रखा हुआ है ये वाला। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी जो होती है इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स रख सकता हूँ पीडीएफ वगैरह के, यानी मुकम्मल कोई भी चीज़ जो मुझे चाहिए हो सकती है अपनी वेबसाइट के लिए, वो मैंने इधर इधर रखी होती है। अब वर्कफ्लो का हमें पता है कि बिजनेस लॉजिक है, अगर मैंने जैसे फंक्शन नहीं होता था हमारा सी प्लस प्लस में, उसमें जो सारा बिजनेस प्रोसेसिंग और डेटा काम कर रहा होता था, तो यहाँ पर वर्कफ्लो वो काम करता है सारा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैंने लुक चेंज की हुई है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, शायद किसी ने ट्राई किया होगा। यहाँ पे गया कुछ नहीं, आप ये इसको करो ना, व्हील को क्लिक करें, ये हायरार्की मैंने बनाई थी। इस वेब एप्लीकेशन के नीचे एक साइट कलेक्शन होती है, उसके नीचे साइट्स होती हैं और उसके नीचे लिस्ट्स होती हैं, यानी हायरार्की इस तरह आ रही होती है। जो कॉलम्स होते हैं वो लिस्ट कंटेंट टाइप्स उसके वो लिस्ट के अंदर होते हैं, और ये साइट उसके अंदर साइट्स वो साइट्स के अंदर होते हैं सारे, और साइट जो साइट कलेक्शन में होती है, साइट कलेक्शन के नीचे यहाँ काफ़ी ज़्यादा, यहाँ भी साइट हो सकती है, यहाँ भी ये सारी चीज़ें यहाँ रिपीट हो सकती हैं, ऊपर एक वेब एप्लीकेशन हो सकती है। लेकिन सर्टेन कंडीशन में यहाँ पे हम कॉलम भी मेन पे बना सकते हैं बगैर साइट कलेक्शन के, और साइट्स वगैरह भी इधर ही हम बना सकते हैं। और जो ये वाली डायग्राम है इसको सीधा करके देखें तो एक जो टेबल के लिहाज से ये मैंने बनाई हुई है, ये मतलब जो एक रिकॉर्ड है ना टेबल में,
टेबल को हम शेयरपॉइंट में कहते हैं व्यू, तो शेयरपॉइंट की टर्म्स हम यूज़ करेंगे। जो एक व्यू में एक रिकॉर्ड होता है वो एक आइटम होती है, ठीक है। तो वो जो हमने डेफिनेशन भी सर ने अपने यहाँ पे लिखी हुई थी, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी आइटम्स की कलेक्शन ऑफ आइटम कॉलम व्यूज, यानी इसमें टेबल्स और टेबल्स के जो व्यूज जिसको हम टेबल भी कहते हैं, कॉलम और आइटम, इन सब की कलेक्शंस को हम लिस्ट कहते हैं। यानी लिस्ट के अंदर सिर्फ इमेज यानी कोई भी चीज़ आ सकती है। यहाँ से ये ऑप्शन जो ये आप लोगों ने देखी है, आप लोगों की आई है ये ऑप्शन, यहाँ पे चेंज द लुक है। यहाँ से हम अपनी जो थीम है इसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया थीम, तो अब उसने मुझे कहा कि ट्राई, मैंने कहा इसे ट्राई इट आउट, इसे मैं ट्राई करना चाहता हूँ। इसके अंदर मेरी पूरी वेबसाइट में जो भी काम किया होगा ना, वो मुकम्मल नई थीम में आ जाएगा, मुकम्मल नई डिज़ाइनिंग में आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं साइट बनाता हूँ, लेकिन ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ये यानी कोई भी मैं अगर बनाता हूँ ना, तो वो इसके ज़रिए मुकम्मल थीम मैं चेंज कर सकता हूँ जैसा भी हो पहले, ठीक है। तो मैंने इसे कीप इट नहीं रखा, मैंने कहा इसे हम क्या करते हैं। अब मैं शेयर पॉइंट के होम पेज पे आ गया हूँ। यहाँ से अब हम एक नई साइट बनाएंगे साइट कलेक्शन के अंडर। मेरा नहीं आ रहा ना, अच्छा मैं ना मेरा ट्रायल वर्जन एक्सपायर हो गया है। मेरा भी एक्सपायर हो गया। आ रहा है तुम्हारे इसी पेज पे आ रहा है? कहाँ पे? फ्रीक्वेंट के ऊपर ही आ रहा है। फ्रीक्वेंट के ऊपर आ रहा है सर्च के साथ। एक सेकंड, मैं एक सेकंड में ये आ रहा है किसी में, ठीक है।
बस थोड़ा सा हुआ। साइट का नाम मैं रख रहा हूँ कि MIC मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। वो मैं इधर एक सेकंड में बताता हूँ, इधर आ नहीं रहा एक सेकंड। अच्छा मैं ना ये प्रोजेक्टर में कुछ मसला है, इस वजह से ना ये पूरे व्यूज नहीं दिखा रहा। बिल्कुल यहाँ पे जो फ्रीक्वेंट है इसके साथ यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। अच्छा अब मैंने, अब ये एक मेरे पे वेबसाइट बन गई है, ठीक है। साइट कलेक्शन के नीचे एक और साइट बन गई है। अब मैं साइट कलेक्शन में जाके भी जो भी चीज़ बनाऊँगा ना वहाँ वो सब साइट्स पे अवेलेबल होगी। अब सबसे पहले मैं इसकी लुक चेंज करना चाहता हूँ। ये वाला लुक हम लेना ले लेते हैं, ठीक हो गया। इसको ट्राई आउट किया हमने, यस कीप इट। पर अगर हमें डिज़ाइन पसंद ना भी आ रहा हो तो इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। और इसके हम ना ये बैकग्राउंड इमेज जो आ रहा है ना आप लोगों के, ये कार्टून सा बना हुआ है, ये भी चेंज हो जाता है पीछे। इसके पीछे आप कार लगा सकते हैं, अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, कोई भी तस्वीर लगानी हो लगा सकते हैं। यहाँ से साइड चेंज द लुक से ये, अगर ये मैंने पीछे अगर इमेज चेंज करना है ना इसका, तो मैं चेंज द लुक पे जाऊंगा दोबारा और यहाँ पे मुझे दोबारा कोई मेन्यू खोल देगा। मैंने इसी को दोबारा क्लिक किया, यहाँ पे होगा चेंज द इमेज, ठीक है। ये इमेज जो मैं इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं चेंज करने लगूँ।
यहाँ से मैं इसका कोई भी इमेज चेंज कर सकता हूँ, ठीक हो गया। पब्लिश नहीं, साइट को पब्लिश नहीं करना होता क्या? ये मैंने नई साइट बनाई है अभी, MIC मैनेजर सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर ना हमारे पास सेटिंग्स होती हैं कुछ, इस वक्त हम साइट कलेक्शन की सेटिंग में हैं। अब मैंने टॉप लेवल सेटिंग्स में जाना है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। इसमें असल में जब परमिशन वगैरह का मसला आ रहा होता है ना कुछ, तब हम अपने टॉप लेवल साइट की सेटिंग में जाते हैं। इस वक्त मैं जो वेब एप्लीकेशन की सेटिंग्स में हूँ, जो मैंने आपको दिखाई थी सबसे पहले, वो जो मैंने तस्वीर दिखाई थी ऊपर वेब एप्लीकेशन आ रही थी ना, इस वक्त हम उसकी सेटिंग्स में हैं। यहाँ से हम किसी भी सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं और जो करना हो उसे कर सकते हैं। अब हम होम पे आते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना इधर इस जगह पे, ये वाली जगह है, यहाँ पे ना मेरी तस्वीरें आ रही हूँ, जिस तरह इवेंट की गैलरी नहीं आ रही होती, तो उसके लिए ना इसे मैं करूँगा एडिट पेज। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ गया साइट कंटेंट्स, हमारे पास जो हम कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं ना हमारे साइट एसेट्स में आती है, मतलब पिक्चर्स मैंने अपलोड की या वीडियो की या डॉक्यूमेंट किया और साइट एसेट्स में आ जाती है। और ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में होता है कि हम लिस्ट और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं। कहाँ पे? साइट कंटेंट्स में आए हैं इसके बाद हम। यस, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना ये लिस्ट है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी जो है ये लिस्ट ही की एक टाइप है। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, जो लिस्ट है ये उसी की एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन भी डाल सकता हूँ, मतलब मीटा डेटा भी डाल सकता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट कब क्रिएट हुआ, इसे किसने क्रिएट किया और इसे अपडेट किसने किया, मॉडिफाई किसने किया है, यानी इसमें हम ये वाली मैं फैसिलिटीज भी डाल सकते हैं, यानी मीटा डेटा भी डाल सकता हूँ, ठीक है। किसमें? साइट एसेट्स में होता है कि कोई भी जो हमारी पिक्चर या एसेट्स कोई भी है ना, कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं या उसके अंदर कोई भी चीज़ मौजूद है, जैसे सिंपल नोटबुक है, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैंने कोई और चीज़ भी अपडेट करनी है, कोई और चीज़ डालनी है, तो मैं वो डाल सकता हूँ। यानी मैं यहाँ पे अपना कुछ मैं अपलोड कर देता हूँ, एक फाइल, ये पिक्चर मैंने अपलोड की है, ठीक है। ये अपलोडिंग वर्ड आइटम यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, ये व्यू भी हम चेंज कर सकते हैं कि लिस्ट व्यू है या टाइल व्यू है। अब उसने वो मुझे तस्वीर अपलोड कर दी है, इसको मैंने खोला है तो ये खुल भी गई है। इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, इसका लिंक गेट कर सकता हूँ, इसको शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ।
यहाँ पे तस्वीरें भी खुल जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम बैक आते हैं। यहाँ से मैं बैक आ रहा हूँ साइट कंटेंट्स डॉक्यूमेंट्स में, मैं डॉक्यूमेंट्स डाल सकती हूँ, यानी इसमें मैं अगर डॉक्यूमेंट्स को मैं खोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं एक पीडीएफ अपनी जो सीवी अपलोड करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अच्छा इधर मैं, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, इसके अंदर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं दोबारा होम पेज पे आ रहा हूँ। एड एन ऐप, यहाँ से हमने इस व्हील पे जाके एड एन ऐप की है, ऐप पे हम यहाँ से हम ऐप ऐड कर सकते हैं और ऐप के जरिए हम जो है कस्टम ऐप बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी बना सकते हैं, पिक्चर्स कलेक्शन बना सकते हैं या अनाउंसमेंट्स की बना सकते हैं कि सारी सब साइट्स को अनाउंसमेंट चले जाएँ। बहुत सारी प्रीबिल्ट ऐप इधर पहले से मौजूद हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ से जो मैंने क्रिएट एन ऐप पे किया हूँ, यहाँ से हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। कस्टम लिस्ट में हम अपने टाइप की लिस्ट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में हम एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, पिक्चर लाइब्रेरी भी हम बना सकते हैं, अभी हम पिक्चर लाइब्रेरी बनाते हैं। पिक्चर लाइब्रेरी का मैंने नाम क्या, इसका नाम मैं रख देता हूँ गैलरी। ये इधर ऐप अब नजर आ रही होगी गैलरी के नाम से, ये रही। ठीक है,
अब हम ना एक कस्टम लिस्ट बनाने लगे। कस्टम लिस्ट में हम अपनी मर्जी के काम कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी के हम कॉलम्स ऐड करके कोई भी रिकॉर्ड सेव करवा सकते हैं। मतलब अगर मैंने देखना है कि कोई बच्चा जो नया एडमिट हुआ है, इधर एडमिशन लिया है उसने, तो वो कब किस डेट को आया, उसके उसका GPA क्या है और उसके मेजर्स क्या हैं, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, और उसके साथ ये भी आ रहा होगा कि इस रिकॉर्ड को किसने क्रिएट किया है, मॉडिफाई इस मतलब इस कॉलम को मॉडिफाई कौन कर रहा है, सारी चीज़ें हम इसमें यहाँ पे देखेंगे भी और हमें पता भी चल जाएंगी। इसमें ना हम अलर्ट्स भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अलर्ट्स हम क्रिएट करते हैं मतलब कि कोई मैंने लिस्ट बनाई है या कोई डॉक्यूमेंट बनाया और मैं चाहता हूँ कि जब भी उसे कोई छेड़े या कोई उसे अपडेट मॉडिफाई करे तो मुझे ईमेल आ जाए, तो वो हम अलर्ट्स भी बना सकते हैं इसमें। उसका भी बहुत सिंपल तरीका है। कस्टम लिस्ट क्रिएट एन ऐप यहाँ से फिर कस्टम लिस्ट। आप लोगों का व्यू जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट शायद आ रहा हो इसकी नस्बत, क्योंकि ना मैंने क्लासिकल व्यू में ज़रा चला गया था, अब ये बन रही है तो थोड़ी देर में इधर आ जाएगी नीचे। आई नहीं है नेट की वजह से, वो आ नहीं सकी, तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा बना देते हैं।
इसमें यहाँ लिस्ट तक तो पता चल गया ना सबको, क्योंकि अब आगे ये जो नेट का बड़ा इशू आ रहा है। इसको फिर हम फ्री में भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अगर आगे तो नेट ही नहीं आ रहा ना चार्जिंग से आ रहा है। आप ना ऐप बनाना तो देख लिया ना सारों ने, तो इधर से ऐप यानी बना के उसमें डेटा भी मैं चाह रहा था कि रखवा देता। नहीं नहीं मैंने कहा लैपटॉप बेशक रोज ले आया करो, इतना मतलब इशू क्या है कि मैं पक्का कर लूँ। काम करना